सुपर सैटरडे। जी हाँ, आज सैटरडे है और डबल मुकाबला है। वैसे आप देख रहे हो बीसीसीआई की टी शर्ट है, मजाक नहीं, आज सीरियसली लेना मेरी बातों को। हालांकि मुझे बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं है, मैं बीसीसीआई को फॉलो करता हूँ। और 2021 की WTC फाइनल की वो थोड़ी सी चुभन है, फाइनल जीता नहीं है, वो जीतना है ना। टीम बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की भी, अब WTC भी जीतना है। लेकिन आज क्या है, आज है सुपर सैटरडे और मैं आज आपको खिलाने वाला हूं 4 अंडों का ऑमलेट। हजम हो जाएगा, 4 अंडों का ऑमलेट गिराऊंगा भाई। आज सैटरडे है ना, सुपर संडे, दो दो मैचेस है और सुपर सैटरडे दो दो मैचेस है, तो बनता है, नहीं तो कैसे देखोगे यार। 6 घंटे मैचेस, मतलब दो दो मैचेस देखने हैं तो 4 अंडे का ऑमलेट तो चाहिए। तो लीजिए परोस देते हैं सुपर सैटरडे के दोनों मैचेस में कौन किस पर भारी। फटाफट आपको मैं बता देता हूं, पहला मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस दोपहर के 3:30 में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। तपती गर्मी में, हालांकि उम्मीद है कि जो पिछली शाम ठंडी ठंडी हवाएं चली, थोड़ी सी बारिश हुई तो मौसम थोड़ा सा सुहाना हो तो बेहतर होगा। हवा चल रही है वैसे दिल्ली में, लेकिन गर्मी बहुत तेज है, तो इस गर्मी में चैलेंज होगा दोनों टीम्स के प्लेयर्स के लिए, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर। चलिए बात करते हैं, जब डीसी और मुंबई इंडियंस आमने सामने हुई तो क्या क्या हुआ। तो 34 बार ये दोनों टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेली है। डीसी ने 15 बार जीता और मुंबई इंडियंस ने 19 बार, तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है। अब अगर बात करें अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान के रिकॉर्ड की, तो यहां पर 86 मुकाबले खेले गए हैं और पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है 39 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 46 और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 165। लेकिन हमारा इरादा किस चीज पर, हमारा है निशाना जो है वो है कौन किस पर भारी, दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरी क्या है, मैं आपको वो बताता हूं, है ना। तो दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरी की बात करें तो यहां पर तो सबसे बड़ी जो जंग होने वाली है ना पहले मुकाबले में, वो होने वाली है ऋषभ पंत वर्सेस ईशान किशन। विकेट कीपर्स की जंग चल रही है वर्ल्ड कप की टीम के लिए कि कौन जगह बनाएगा, कौन बनेगा नंबर एक विकेट कीपर। सब कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ने जगह वो ले ली है, उस पर उनका कब्जा हो गया है, लेकिन नहीं, जब तक टीम नहीं आई है, जब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इसका मतलब वो जगह रिक्त है, खाली है, खाली नुक्ता के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि 1 मई तक सारी जगहें खाली है और यहां पर एक जबरदस्त जंग होने वाली है दो पावर हिटर्स के बीच, एक है फिनिशर तो दूसरा है ओपनर। लाजवाब मैचअप बन रहा है यहां पर। तो चलिए बात करते हैं डीसी और जो है अपना पिछला मुकाबला जीटी के खिलाफ जीता है, तो मुंबई पिछला मुकाबला आरआर के खिलाफ हार कर यहां पर पहुंच रहा है। तो देखना होगा कि कितना यहां पर मनोबल मुंबई का टूटा हुआ है और डीसी का मनोबल कितना उठा हुआ है, लेकिन एडवांटेज डीसी क्योंकि लास्ट मैच जीतकर यहां पर पहुंचा हुआ है। हालांकि इन दोनों के बीच इस सीजन में पिछली बार जब ये दोनों मिले थे 7 अप्रैल को, तब मुंबई इंडियंस ने 29 रनों से बाजी मारी थी, तो यहां पर इनका मनोबल ऊंचा होगा, तो मामला थोड़ा सा बराबर सा हो गया। लेकिन डीसी पॉइंट टेबल पर ऊपर है और मुंबई इंडियंस अब जो है 9वें नंबर पर है, तो वो एक और डिप्रेसिंग चीज है इन लोगों के लिए। अब डीसी की ताकत की बात की जाए तो जेक फ्रेजर मैकॉक बॉक्सर का नाम लगता है, वो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके फॉर्म से कहीं ना कहीं पूरे के पूरे दिल्ली कैपिटल्स का माहौल और रिजल्ट्स और कहते हैं ना पूरी दिशा और दशा बदल गई है इस खिलाड़ी के आने से। सडनली हर तरफ जेक फ्रेजर होने लगा है और इस टीम की ताकत बढ़ गई है। पंत जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं और वर्ल्ड कप उनको लगता है मुझे देखकर मोटिवेट कर रहा है और वो वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए उनके परफॉर्मेंस में एक बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जंप है ना, हाई जंप देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर उनको ये चीज मोटिवेट कर रही है। दूसरी बात अगर और ताकत की बात करें तो अक्षर पटेल और ट्रिस्टन स्टब्स पर आप फिनिशिंग पर भरोसा कर सकते हैं। अक्षर और कुलदीप गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं और कुलदीप यादव को पकड़ना सबसे बड़ा चैलेंज होगा मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए। क्या शानदार, कितनी मिस्ट्री स्पिनर की तरह वो जो उनकी जो बात है मिस्ट्री स्पिनर वाली रिस्ट स्पिनर्स में होती है, वो चीज उनमें दिखाई दे रही है, तो ये चीज बहुत परेशान कर सकती है मुंबई इंडियंस को। अगर उनको जीतना है या उनको अच्छा स्कोर करना है तो जैसे सुनील नारायण के खिलाफ होता है ना कि आप उसको रेस्पेक्ट देके निकाल देते हैं, बाकी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बाकी गेंदबाजों को टारगेट करते हैं, तो कुलदीप के खिलाफ खास स्ट्रैटेजी बनानी होगी यहां पर मुंबई इंडियंस को। अब कमजोरी की अगर बात करें, पृथ्वी शॉ का जो खराब फॉर्म है
वो अच्छा होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि शुरुआत में तो रन बन गए, जो सोडा बॉटल इफेक्ट बहुत सुनते हो आप क्रिकेट की लैंग्वेजेस में, आते हो फटाफट रन बनते हैं, तो सोडा बॉटल टच से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर गैस होती है ऊपर आती है, उछाल मारती है, उस तरीके से थोड़े बहुत स्कोर लग गए, थोड़ा बहुत नर्वसनेस में रन बनाते हैं। एक्चुअली सोडा बॉटल इफेक्ट का मतलब है कि नर्वस हो और उस नर्वसनेस से निकलने के लिए आप आड़े तिरछे जहां तहां मार रहे हो, बस रन आ जाए किसी तरह। तो वो चीज पृथ्वी शॉ की अब फॉर्म में दिख रही है और शाई होप को इतने मौके नहीं मिले और इसलिए उनको ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन शाई होप से ज्यादा होप है कि वो और बेटर करके यहां पर दे, है ना। तो ये है और नोकिया इज नो बॉलिंग फ्रॉम नोकिया। तो मुंबई इंडियंस की ताकत की बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास ईशान किशन है, दिल्ली कैपिटल्स के पास अगर ऋषभ पंत है, तो पंत और किशन की जंग तो इस मैच में होने वाली है, दोनों को जगह चाहिए। और दोनों के सामने एक बात बताओ, हिंदुस्तान का कप्तान खेल रहा है, मतलब इतना क्लोजली दोनों को देखेगा हिंदुस्तान का कप्तान और वो जज कर सकता है कि कौन है मेरा नंबर एक विकेट कीपर, और दोनों चाहेंगे कि वो कहीं ना कहीं यहां पर जगह बनाए रोहित की नजरों में, रोहित के दिल में और रोहित की 11 में या फिर 15 में सही शुरुआत। मुंबई की ताकत अच्छी फॉर्म में, तिलक वर्मा जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं और रोहित और ईशान लगातार अच्छे स्टार्ट्स दे रहे हैं, ये उनकी बहुत अच्छी ताकत है। और दिल्ली में मुझे लगता है रोहित और ईशान को अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी ओपनिंग विकेट के लिए दिख सकती है, और अगर पहले बल्लेबाजी करती है यहां पर दिन में भी मुझे लगता है कि 250 रन के करीब जो है यहां पर मुंबई इंडियंस बनाने की काबिलियत रखता है। जसप्रीत बुमराह नाम ही काफी है लेकिन एक नाम काफी नहीं है क्योंकि उनके साथ जेरार्ड क्वेटसी जैसे गेंदबाज या कोई और तेज गेंदबाज जैसे आकाश मेघवाल है इनको साथ देना होगा। हार्दिक पांड्या उनकी कमजोरी बनती जा रही, कमजोरी की तरफ आ गया मुंबई इंडियंस की, वो गेंद से भी बल्ले से भी और कप्तानी में भी कुछ समझ सा नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। गावस्कर ने तो काफी पॉइंट आउट किया है लेकिन हार्दिक पांड्या लगता है थोड़े से नर्वसनेस उनके अंदर आ गई है, और मोहम्मद नबी से भी वो प्रदर्शन नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, और सूर्य कुमार यादव बहुत इनकंसिस्टेंट दिख रहे हैं। स्काई से उम्मीद होगी क्योंकि स्काई अगर अच्छा नहीं खेले ना दोस्त तो मुंबई इंडियंस की किस्मत जो है वो बदल नहीं सकती, तो स्काई को अच्छा खेलना होगा। तो चलिए फटाफट बात करते हैं कि दोनों की टीम्स की संभावित 11 क्या है। अगर डीसी की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स पृथ्वी शॉ, जेक फ्रेजर, अभिषेक पोरेल, ऋषभ पंत, शाई हो, क्रिस्टन स्टम्स, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रिजार्ड विलियम्स, खलील अहमद, मुकेश कुमार। और मुंबई इंडियंस की अगर प्रोबेबल 11 की बात करें तो ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, नेहल वडेरा, जेराल कोएत्से, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह। तो ये है दोनों टीम्स की संभावित 11। और अब बात उठती है कि कौन है इस मुकाबले के लिए फेवरेट, तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस फेवरेट है, प्री मैच फेवरेट्स मुंबई इंडियंस है, लेकिन दिल्ली को कम नहीं आ सकते, दिल्ली घर पर खेल रही है, लेकिन हमने देखा था इतना बड़ा स्कोर करने के बाद भी पिछले मैच में कैसे वो हारते बचे। तो मुंबई इंडियंस जो है फेवरेट है, और अगर मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की तो मैं कम से कम दिल्ली में 250 के आसपास का स्कोर देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि एक शतक मुंबई की तरफ से आ सकता है इस मैच में, हो सकता है कि वो रोहित शर्मा हो सकता है वो तिलक वर्मा या सूर्य कुमार यादव।